हाल ही में जहीन इकबाल से शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा अपना न्यूली वेड वाला फेज एंजॉय कर रही है। सोनाक्षी सिन्हा ने जहीन इकबाल से 23 जून को बहुत ही सिंपल तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये शादी की थी। शादी में बेहद करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हुए थे। जी हाँ, बताते चले कि रजिस्टर्ड मैरिज यानी कि रजिस्टर शादी के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी और बहुत ही सिंपल सी लग रही थी वो। अब शादी के लगभग महीने भर बाद सोनाक्षी सिन्हा ने खुलासा किया है कि उन्हें अपना वेडिंग आउटफिट चुनने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का समय लगा। ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि अपना अगर आप वेडिंग आउटफिट डिसाइड कर रहे हो तो आपको 5 मिनट कैसे आप सोच सकते हो 5 मिनट। लेकिन हाल ही में सोनाक्षी ने FDCI यानी कि इंडियन कल्चर वीक 2024 को खुलासा किया कि उन्होंने अपनी शादी के मौके पर मां की साड़ी पहनने का फैसला क्यों किया। मीडिया से बात करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, हमें अपने आउटफिट चुनने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि सिंपल लेकिन खूबसूरत दुल्हन का चलन वापस आएगा। और 37 साल के एक्ट्रेस ने 7 साल की डेटिंग करने के बाद जहीन इकबाल से शादी की। रजिस्टर्ड मैरिज के दौरान दबंग एक्ट्रेस ने अपनी मां पूनम सिन्हा की साड़ी और गहने पहने थे। इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने रिसेप्शन में लाल बनारसी साड़ी पहनी जिसमें कि वो काफी ही ज्यादा खूबसूरत लगी। सोनाक्षी ने कहा, मैं दिमाग में बहुत क्लियर रखी थी चीजें कि मैं शादी और रजिस्टर्ड मैरिज के दौरान अपनी माँ की साड़ी और ज्वेलरी पहनना चाहती थी और वैसा ही मैंने किया भी। ये सब मेरे दिमाग में था और हमने उसे दिन इसे किया। और सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि उन्हें एक अपने बड़े दिन का पूरा आनंद लेने की आजादी थी क्योंकि वो सहज थी, सांस लेने और घूम पा रही थी। और सोनाक्षी ने कहा कि उन्होंने खुद पर तनाव नहीं डाला, उन्होंने जो भी कहा वो बहुत एक सिंपल तरीके से किया, एक सिंपल लुक में किया। और एक वापस भी चाहती है कि दुल्हन एक सिंपल लगे लेकिन बहुत ही सुंदर लगे और ये चलन वो बनाने चाहती है और बनने भी जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला ये पीढ़ी एक सिंपल तरीके से चीजें करे। शादी में जहीर इकबाल ने आईडी करने वाला कुर्ता पैजामा पहना था। वहीं रिसेप्शन में जहीर इकबाल ने शर्ट और मैचिंग पैंट्स के साथ सफेद अपने ओपन जैकेट पहनी। जहीर इकबाल के आउटफिट पर सोनाक्षी सिन्हा ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम जहीर के एक फ्रेंड के पास गए जो कि एक डिजाइनर है। जहीर ने एक आउटफिट देखा और उसे बस उसने बोला कि ओ मैं तो यही पहन लिया। और हम बहुत ज्यादा इन सब चीजों में तामझाम नहीं था और हम बहुत ज्यादा इजीली चीजें हैंडल कर पाए। आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सन लाइव।